चलिए क्लास शुरू करते हैं एक और नया चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स। तो क्लास, इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और क्यों कहते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्लास, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अब तक जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है उसके हिसाब से ये तो हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लू प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पर जीवन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि एनिमल्स या फिर हम ह्यूमंस और प्लांट्स। और अगर हम ये सोचें कि वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको यानी कि लिविंग थिंग्स को एक नॉन लिविंग थिंग से सेपरेट कर सकती है, तो क्लास इसमें जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम ह्यूमन या प्लांट्स या कोई भी एनिमल सभी ग्रो करते हैं और लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंचते हैं। और चाहे एनिमल्स हो, हम ह्यूमंस हो या फिर प्लांट्स हो, इन सभी में एक खास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज रिप्रोडक्शन। यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स अपने जैसी स्पीसीज को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो लिविंग सिस्टम है ये अर्थ पर लगातार चलता रहता है। और क्लास, यहाँ पर हम अर्थ पर मौजूद जिस लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये जो लिविंग सिस्टम है ये जिन मॉलिक्यूल से बना होता है उन्हीं मॉलिक्यूल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। यानी कि एक लिविंग सिस्टम को बनाने में बायो मॉलिक्यूल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्लास, इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिन मॉलिक्यूल्स से लिविंग सिस्टम बने होते हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बट एक्चुअल में किन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए क्लास, थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं बायो मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो क्लास, यहाँ से हमको दो बातें मालूम चलती है कि एक तो बायो मॉलिक्यूल्स खुद नॉन लिविंग होते हैं, चाहे वो लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार हों, और दूसरा कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्लास, अब देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या है। कॉम्प्लेक्स से हमारा मीनिंग है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि जिनको आसानी से समझा ना जा सके। इसके साथ साथ जिनका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि उनके स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत आसान ना हो। तीसरा, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिनकी स्टडी करना या जिनको समझना ईजी ना हो। तो क्लास, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन को स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर को समझना और उनकी डिटेल स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और क्लास, यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि खुद नॉन लिविंग होते हैं, इनकी वजह से लिविंग सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, और ये जो केमिकल प्रोसेसेस किसी लिविंग सिस्टम में होते हैं इनको स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। तो क्लास, अब आप ये जान चुके हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है कि बायो मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। इनके अलावा भी कई बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट मेजरली हम इन्हीं को कंसिडर करते हैं। और क्लास, ये तो हम जानते हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स खुद तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट जब ये नॉन लिविंग बायो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब ये लाइफ को जनरेट कर सकते हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन से, या हम यूं कहें कि नॉन लिविंग बायो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ही हमको लाइफ देखने को मिलती है, और इस प्रकार से हमारे अर्थ के हर कोने पर आज लाइफ मौजूद है। चाहे हम सरफेस की बात करें, आकाश की बात करें, या फिर हम जल या अंडर वाटर की बात करें, और हर जगह मिलने वाली लाइफ में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि हर जगह इन बायो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन ही लाइफ को लगातार रन कर रहे हैं। तो क्लास, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और वो किस प्रकार से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए कुछ बायो मॉलिक्यूल्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं।